गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गांधीनगर में स्मार्ट सिटी गिफ्ट का पहला फेज बन चुका। गिफ्ट सिटी में बन रही है गुजरात की सबसे ऊंची बिल्डिंग। गिफ्ट सिटी में 110 ऊंचे टावर और 20,000 घर। गिफ्ट सिटी में मिलेंगी 10 लाख नौकरियां। गांधीनगर की तरह ही देश में 100 स्मार्ट शहर बनेंगे। प्रधानमंत्री हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। दोस्तों आज हम इंडिया के लार्जेस्ट प्रोजेक्ट यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की सारी जानकारी हम आज आपको देंगे, इसी के साथ साथ प्रोग्रेस भी आपको बताएंगे। दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो उसका कारण क्या है वो भी आपको हम बताएंगे, बस आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2008 में हुई और 2010 में इसका ब्लूप्रिंट बनाया गया। 2012 में ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और 2013 में जापान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई बॉडी बनाई जिसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी DMICDC कहते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का पूरा इम्प्लीमेंटेशन इस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट इंडिया की कैपिटल दिल्ली से लेके इंडिया की लार्जेस्ट सिटी मुंबई तक चलेगी। इसकी टोटल 1500 किलोमीटर की लेंथ होगी और इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन बताया गया है। दोस्तों इस कॉरिडोर में 24 इन्वेस्टमेंट रीजन्स, 8 स्मार्ट सिटीज, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, 2 मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स, 2 पावर प्लांट्स और 2 नए लॉजिस्टिक हब्स भी बनाए जाएंगे। दोस्तों इस प्रोजेक्ट से इंडिया के 6 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी इन्फ्लुएंस होगी और वो है दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ये सभी स्टेट्स इस प्रोजेक्ट से इन्फ्लुएंस होंगे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों इस प्रोजेक्ट का लेंथ 1500 किलोमीटर है और उसमें से गुजरात और महाराष्ट्र इन दो स्टेट्स में करीब 1100 किलोमीटर का इस प्रोजेक्ट का इन्फ्लुएंस होगा और बाकी के स्टेट्स में सिर्फ 400 किलोमीटर का इन्फ्लुएंस होगा। दोस्तों इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास बनाया जा रहा है और ये इंडिया का मेट्रो से भी इस शहर को जोड़ा जाएगा। शहर के अंदर ही 4 मेट्रो स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। एलिवेटेड वॉकवे के जरिए मेट्रो स्टेशन को डायरेक्ट शहर की बिल्डिंग से जोड़ा जाएगा। 4 मेट्रो स्टेशन बनेगा, ये जो हम देख रहे हैं, हाँ, ये मेट्रो स्टेशन है। और कोई भी कमर्शियल वो 500 मीटर से ज़्यादा लेंथ में नहीं होगा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन से। दूसरा हम लोग कर रहे हैं कि उस मेट्रो स्टेशन से हम लोग एलिवेटेड वॉकवे बनाएंगे और हर एक स्टेशन, हर एक बिल्डिंग को कनेक्ट करेंगे जिससे कि आपको इवन नीचे जाने की ज़रूरत नहीं। वो एलिवेटेड वॉकवे से आप बॉम्बे में देखेंगे सब काफ़ी जगह बन रहा है, यहाँ शुरू से हम लोग बनाएंगे मेट्रो स्टेशन से हर एक बिल्डिंग को कनेक्ट करते हुए। 890 एकड़ के शहर में 110 ऊंचे टावर बनाए जाएंगे जिसमें एक गुजरात का सबसे ऊंचा टावर होगा जिसकी ऊंचाई 420 मीटर होगी।